एनआईटी श्रीनगर में माहौल खराब करने वाले 10 छात्रों और एक फैकल्टी पर पुलिस की नजर। मजिस्ट्रेट 15 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। छात्राओं ने कहा रेप की दी जाती है धमकी, श्रीनगर से कहीं और शिफ्ट हो एनआईटी। अरविंद केजरीवाल और एएपी के 5 नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। जेटली ने दर्ज करवाया था आपराधिक मानहानि का केस। सुनवाई के दौरान दोनों पार्टियों के समर्थकों ने की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में पीएम का ममता पर हमला, कहा मां माटी और मानुष वाले अब ले रहे हैं मनी। डेल्टा मेघवाल रेप और हत्या के मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को 15 दिनों की जेल। 29 मार्च को मिली थी डेल्टा मेघवाल की लाश। डेल्टा मेघवाल की मौत के 10 दिनों बाद जागा विपक्ष। रामेश्वर डूडी और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ सचिन पायलट पहुंचे डेल्टा के घर। परिवार वालों को दी सांत्वना। सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राष्ट्रपति से करेंगे शिकायत। भरतपुर में दहेज के लिए विवाहिता को जलाने का मामला आया सामने। पीड़िता को कराया गया आरबीएम अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में भिड़े पीहर और ससुराल वाले। भरतपुर के जज ने लिए पीड़िता के बयान। जयपुर के 2 रिश्वतखोर एसडीएम। 5 लाख रिश्वत मांगने वाला कोटपुतली एसडीएम गोपाल सिंह फरार। 4.5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। शाहपुरा एसडीएम भारत भूषण गोयल जयपुर में एसीबी उससे कर रही पूछताछ। एक ही दलाल के जरिए घूसखोरी का मामला। प्रतापगढ़ के दलोट में महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर हाईवे पर लगाया जाम। सिर पर मटके लेकर सड़क पर बैठी स्टेट हाईवे पर लगी वाहनों की कतार। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी। नगर निगम के जेईएन को 70,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। एक बाबू गिरफ्तार, एक फरार। चैत्र नवरात्र की तैयारी में लगा पूरा प्रदेश। पूजा सामग्री की चीजों से सजी दुकानें, बाजारों में भक्त कर रहे हैं खरीदारी।